नमस्ते, मेरा नाम हैप्पी है और मैं निकला हूँ केरला टूर पे, वो भी अपने बाइक से। आज है डे 10 और मैं पहुंचा हूँ कोची से अर्नाकुलम। ये है समृद्धि @कोची, जो कि 24 आवर खुला रहता है। यहाँ मैंने मसाला डोसा खाया और मैं आगे निकला हूँ थ्रीसर के लिए। और मैं चलाते चलाते ये देखो थ्रीसर पहुंच गया। यहाँ का मंदिर देख के मेरा मन तो यहीं रुकने का हो गया, तो मैंने फटाफट यहाँ पर आसपास एक होटल ढूंढा, जिसका वीडियो मैंने सुबह बनाया, जो कि ये है होटल जया पैलेस। बहुत ही सुंदर, बहुत ही लग्जूरियस। और यहाँ आके मुझे पता लगा कि सामने ही एक बहुत ही फेमस मंदिर है, श्री वडक्कुनाथन टेम्पल। अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती होगी तो प्लीज़ सॉरी, मुझे माफ़ करना, क्योंकि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मुझे पता नहीं है। आओ अंदर, मैं आपको अपना रूम का टूर कराता हूँ। ये रहा मेरा रूम, बहुत ही प्यारा लेकिन थोड़ा सा महंगा लग गया, लेकिन मंदिर के जस्ट अपोजिट था, इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है। 1700 रुपये, 1700। फिर मैं वहां से, दोपहर का टाइम था तो निकला जू के लिए। ये है स्टेट म्यूजियम भी और जू भी। तो मैंने यहाँ से फटाफट टिकट लिया और टिकट की एंट्री फीस थी 10 रुपीज़ ओनली। मुझे तो मजे मजे, यहाँ मुझे बहुत ही अच्छा सिस्टम लगता है, टिकट है लेकिन सस्ता है। फिर मैं गया अंदर, ये पैरेट था। इसके मुझे पता लगा कि जिसका कालापन होता है गर्दन पे वो मेल होता है, और उल्लुओं को मुझे पता लगा कि जो मेल उल्लू होते हैं, मेल आउल, वो फीमेल आउल से छोटे होते हैं। वाओ, यहाँ के मुझे बहुत कुछ पता लग रहा है। आप देख सकते हो बहुत सारे उल्लू थे, गजब के प्यारे प्यारे से। मैं सोच रही थी रोटेट करेंगे मुंह पर कि यानी ये है डेविल ट्री, पहली बार देखा मैंने। फिर मैं, इसके अंदर एक म्यूजियम भी था, आर्ट म्यूजियम। वहां मैंने देखा बहुत सारी पुरातत्व चीजें, वाओ, पुरानी चीजें, पुरानी पेंटिंग्स। केरला में मैंने देखा है कि म्यूजियम बहुत है। मैं कम से कम ये तीसरा या चौथा म्यूजियम होगा मेरा जो मैंने विजिट किया। वाह, मतलब पुरानी चीजों से जो लगाव है, और ये जो चीजें पुराने टाइम के जो लैम्प है यूज करने का, घर घर में पुरानी चीजें किस तरह से सजाई जाती थी, किस तरह से पत्थरों का यूज किया जाता था, किस तरह के मूर्तियां थी, सारी चीजें। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये सारी चीजें जान के। मतलब देखना एक अनोखी बात है पुरानी चीजों को, यार उस दुनिया में हम चले जाते हैं। और ये देखिए आप, बॉटल के अंदर पूरी बोट है, और इस वाली बॉटल में पूरा बेड था, वो क्लियर दिख नहीं रहा था कांच की वजह से। फिर मैं गया ये हॉल की तरफ। इधर ये ऐसा लग रहा है कि बर्तन है बड़े वाले, जिसमें पुराने समय में खाना बनाया जाता होगा, पूरा राज दरबार के लिए, राजाओं के परिवार के लिए। वाह, इतने बड़े बड़े बर्तन कैसे कुक करते हैं। ये है ज्वेलरी बॉक्स, आहा ले जाऊं मैं अपने साथ। फिर मैं यहाँ से निकला बाहर, क्योंकि और भी पूरा जू घूमना था। घूमते घूमते मैं निकला हूँ, ये काले हिरन को देखते हुए, खाने के बेचारे इंतजार कर रहे थे, बहुत भूख लग रही होगी उनको। वाओ, इसके आगे था हिप्पोपोटामस, मैंने पहली बार देखा। ये देखो इनसे बात कर रहा, शायद भूख लग रही थी, ये खाना मांग रहा था, या फिर कोई कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही थी। दोनों की बहुत देर बात हुई, और फिर शायद बात समझने के बाद ये आ गई आगे, आ गई आ गया, और आगे पानी में ऐसे घूमते घूमते, यार सामने से बहुत ही बड़ा लग रहा था। मैंने पहली बार इतना बड़ा हिप्पो देखा यार। और ये पता है 45 मिनट तक बिना सांस लिए पानी के अंदर रह सकते हैं। भाई लगता खाना मिल गया इनको, और खाना मिलने के बाद भैया आलस तो हर किसी को आ जाता है, फिर लगा ली लोट पानी में। और ये पास में दो उससे छोटे थे, लेकिन दोनों पानी से निकलने के बाद घूम रहे थे, इनके पास भी तालाब था। फिर मैं आगे गया, आगे देखा भाई इधर भी गुफ्तगू चल रही है इन लोगों की। वाह यार, क्या मतलब क्या बात है यहाँ पर। ये छोटा सा स्वैन, प्यारा सा, और ये ऐसा लग रहा था कि मैं, ऐसा लग रहा था किसी मूवी में मैंने देखा। और ये बाप रे टाइगर, इधर तो मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग गया था इसको एकदम से करीब से देख के। यार किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए, बाप रे, प्रभाव इतने करीब से देखा यार। ये लेपर्ड, वाह, और ये पक्षी प्यारा सा, न्यारा सा, अन्ना सा, उन्ना सा, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये भाई स्वयं को देखे, एक पाँव पे खड़ी हो चूहे का शिकार करने के लिए। चूहा शायद उसको सोचे कि भैया ये स्वयं नहीं कोई और है, पर चूहा भी चलाक था, भाग गया। यहाँ पर स्नैक्स तो इतने सारे थे, बाप रे, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग, जो जिसकी पिक्चर क्लियर आ पाई मैंने, ये तो कोबरा, ये ब्लैक, और ये हमारा प्यारा सा कछुआ।
घूमते हुए ये पानी के अंदर घूम रहा है, लेकिन कांच की वजह से अच्छा आ गया। और ये बड़ी जायंट स्क्वायरल गिलहरी थी, ये बहुत बड़ी। और फिर मुझे बहुत तेज भूख लगी और मैंने खाई 50 रुपीज की थाली वही जू के पास में, और इसके साथ आयुर्वेदिक पानी भी है। और फिर मैं गया आगे, शाम हो गई थी तब तक। तो ये था चर्च, कैथोलिक चर्च। इसके पीछे बाइबल टावर था, वो मुझे बाद में पता चला। पर चर्च तो बहुत ही बड़ा था यार, क्या गजब था ये वाइट चर्च। अंदर से तो और भी ज्यादा आलीशान था, ऐसा लग रहा था कोई मूवी में मैंने देखा हो ऐसा। यार देख सकते हो, गजब यार। आपने केरला में ये सब चीजें नहीं देखी तो आपने कुछ नहीं देखा भाई। क्या दिख रहा है आप देख सकते हो यार, मतलब आके आप खुद ही, आपकी आत्मा ऐसे विलीन हो जाती है इन सब चीजों में। सुकून इतना मिलता है ना, थोड़ी देर में यहाँ बैठा बहुत अच्छा लग रहा था, सारी थकान उतर गई हो जैसे। फिर मैंने यहाँ पर प्रे की थोड़ी बहुत कि सब चीज अच्छा हो, घर से दूर रहते हो तो थोड़ा डर तो लगता ही रहता है। और बहुत सारे लोगों को, मेरे अपने लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, सबके लिए प्रेयर करी मैंने। बहुत ही अच्छा लग रहा था, घर से दूर फील हो ही नहीं रहा था। और ये एक पैलेस जो कि मैं रात को पहुंचा था तो बंद हो चुका था। और फिर अगले दिन सुबह नहा धो के मैं ये टेम्पल गया जो कि सुबह 11 बजे खुला, श्री वडक्कुनाथन टेम्पल। वाह, ये बहुत बड़े कैंपस में बना हुआ है, बहुत बड़े कैंपस में। ये बाहर का वीडियो मैं ले रहा हूँ, आगे पूरा दिया जल रहा है। और यहाँ पर पता है ओणम पे ही बहुत सारे लोग आते हैं, अभी ओणम का टाइम चल रहा है। ये आप अंदर जाने का भी देख सकते हो, कितना प्यारा है, कितना सुंदर। मैंने अंदर जाके थोड़ी कुछ जगह के वीडियो बनाए थे, फिर मुझे आगे जाके पता लगा कि देखो सामने लाइन लग रही है अंदर मंदिर में जाने की, पता लगा कि भाई यहाँ वीडियो लेना अलाउड नहीं है। फिर भी मैंने कुछ जगह की ले ली वीडियो। और मुझे यहाँ अंदर जाके पता लगा कि अंदर एंट्री जो मेन मंदिर है उसमें एंट्री के लिए आपको शर्ट उतार के जाना पड़ेगा, मतलब ऊपर आपको कुछ नहीं पहनना, नीचे आप लुंगी पहनो और ऐसे अंदर जाओ। और बाहर जो कैंपस है इसमें ये लड़ाई हो रही थी बहुत बड़ी। फिर मैंने गजराज जी को मिला, बहुत ही प्यारे गजराज जी थे। और बाहर बहुत सारी शॉप लगी थी, जो स्ट्रीट शॉप्स होती है ना, ये पूरे कैंपस में लगी थी। बहुत बड़ा कैंपस था, उस कैंपस के बाहर वाला कैंपस में था। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें एकदम रीजनेबल प्राइस पे थे। क्वालिटी डिपेंड हो सकती है, क्वालिटी के अकॉर्डिंग चीजें महंगी सस्ती हो सकती है, लेकिन पूरा केरला कल्चर से रिलेटेड चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ये साड़ियाँ मुझे सिर्फ 250 रुपये में मिली। और ये जो है, ये सारे आइटम, यहाँ एग्जीबिशन लगा था जो कि होममेड, ये एक इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने खुद ने ये चीजें बनाई गई थी, अधिकतर लोग वही थे। ये देख रहे हो आप आइटम, ये भी होममेड है। बताओ, ये मंदिर भी बहुत प्यारा था उस कैंपस में, बहुत ही सुंदर मंदिर, तो एक से एक है यहाँ पर। दर्शन करने के बाद मैं निकला अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके बाय।